श्री नारायण गुरु धर्म समागम के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि महोत्सव पूरी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। 5,000 पंच सहस्त्र महारुद्राभिषेक के साथ विभिन्न आयोजन स्कूल प्रांगण में किए जाएंगे। शिवरात्रि पर्व पर 8 मार्च को श्री नारायण गुरु धर्म समागम के तत्वावधान में महाशिवरात्रि महोत्सव पूरी भव्यता के साथ विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर 5,000 सहस्त्र महारुद्राभिषेक किया जहां जाएगा, वहीं आयोजन में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। आयोजन को लेकर श्री नारायण गुरु धर्म समागम परिवार की ओर से प्रदेश व शहर वासियों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की गयी है। श्री नारायण गुरु धर्म समागम में महाशिवरात्रि का महोत्सव 8 मार्च को मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चारों पहर के पूजा और महारुद्राभिषेक का विशेष आयोजन किया जा रहा है, जो दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे ज्योतिषाचार्य पंडित जी श्री प्रकाश शर्मा जी द्वारा किया जाएगा। और हम लोग अपील कर रहे हैं हमारे समाज के अध्यक्ष श्री वीके बाबू द्वारा कि महारुद्राभिषेक का अग्रिम बुकिंग कर लें, क्योंकि अत्यधिक भीड़ से बचने के लिए, उनकी सुविधाएं के लिए भक्तजनों से हम लोग अपील कर रहे हैं। प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि आप अग्रिम बुकिंग करके वो सर बुकिंग के लिए किसी का कोई नंबर जारी किया गया? जी जी, हमारा काउंटर ऑफिस है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर सब दिया गया है, हमारे नोटिस में दिया गया है, और हम समय समय पर सबको ग्रुप में मैसेज भी डाल रहे हैं, और उनके यानी इसको कहाँ से किस तरीके से बुकिंग की जाएगी। असुविधा बचने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा की गई। कहाँ कहाँ के श्रद्धालुओं की शामिल होने की उम्मीद? भिलाई दुर्ग के, रायपुर के अधिकतर समाज के लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, क्योंकि एक ऐसा शिवरात्रि का सेक्टर 4 SNG का कई वर्षों से चल रहा है, तो बहुत प्रसिद्ध है और हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु जो आते हैं। लेकिन हमारी कमेटी, हमारी जो कार्यकारिणी समिति है, वो पूरी भली भांति से अच्छे से उनको आयोजन को सफल पूर्वक करते हैं। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि पर श्री नारायण गुरु धर्म समागम के तत्वावधान में पूरी भव्यता के साथ महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जाएगा। आयोजन में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। ACN News के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।